बच्चों, युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, आपको कष्ट हुआ, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। ये जो चुनाव है, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका लक्ष्य है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। मैं महाराष्ट्र को, बाकी देश को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे संविधान को कोई भी, दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है। पता नहीं इन लोगों ने अपने आप को क्या समझ रखा है। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती। हम देखेंगे यह संविधान कैसे बदला जाता है। भाइयों और बहनों, पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए सब कुछ किया है। हालात ये है कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथों में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। जितना धन इनके पास, उतना ही धन उनके पास। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। नोटबंदी 22 लोगों के लिए की, किसान बिल 22 लोगों के लिए किए, जीएसटी 22 लोगों के लिए किया। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 25-30 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, पिछड़ों का, दलितों का, स्टूडेंट्स का नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया? एक रुपया हिंदुस्तान के गरीबों का नरेंद्र मोदी ने माफ नहीं किया। 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब 25 साल का मनरेगा, 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, अगर आप उसे 25 बार करो तो 16 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को 25 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया और फिर कहते हैं कि गरीबों की सरकार चलाते हैं। उन्होंने 22 अरब पतियों की मदद की। तो आज मैं आपको साफ बताने आया हूं, हमारा जवाब क्या है, मैं आपको बताने आया हूं। उन्होंने अरबपति तैयार किए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। आप कहोगे राहुल जी, इंडिया की सरकार
कांग्रेस पार्टी की सरकार करोड़ों लाखपति कैसे बनाएगी, यह आज मैं आपको बताने आया हूं। हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। सबसे पहला काम महालक्ष्मी योजना, हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनकी लिस्ट बनेगी। अच्छी तरह सुनिए, और जो यहां महिलाएं आई हैं आप इस बात को अच्छी तरह सुनिए। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार हर साल सीधे बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया डालने जा रही है। महीने के 8,500 रुपए, साल के 1,00,000 रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने ठका ठक